जजों ने एक फैसला सुनाया है और एक ही विषय ज़्यादा एक ही परिवार का जो दबदबा रहता है सर्वोच्च न्यायालय पर, तो कैसे देख पा रहे हैं आप, कैसे हक अधिकार की बात होगी? SC का तो शायद एक ही था। देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, ये 7 जजेस की बेंच का जजमेंट है। 7 जस्टिस माननीय जस्टिस बैठे हुए थे उसमें, जिसमें मैं समझता हूँ अनुसूचित जाति के एक ही जस्टिस थे, लेकिन उस 7 ऑनरेबल जस्टिस जो थे उनमें से एक जस्टिस ऐसी थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जिन्होंने उन अपनी राय बिल्कुल अलग रखी और उन्होंने सिरे से नकार दिया कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये जो उपवर्गीकरण है ये उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट के हवाला दिया, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो बहस हुई थी आरक्षण के ऊपर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रस्तावों के ऊपर जो बहस हुई थी, उस बहस का भी हवाला उन्होंने जजमेंट में दिया है। यानी कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का जो जजमेंट है लगभग वो 68 पेज का जजमेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि वो मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के हर आदमी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस 68 पेज के जजमेंट को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ये जो जजमेंट हुआ है इस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को कि उन्होंने इस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति का जो उपवर्गीकरण के खिलाफ जो अपना मतलब वक्तव्य रखा है, ये सराहनीय कार्य है और अनुसूचित जाति जनजाति को उनको मतलब सराहना करनी चाहिए इस जजमेंट के लिए। और हर घर में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की जो जजमेंट है वो प्रति छपा करके भेजी जानी चाहिए, जिससे कि समझ में आए कि जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बचपन में जब प्रताड़ित किया जाता था स्कूल जाने में, और जब उनका दाखिला नहीं हो रहा था तो एक ब्राह्मण जो अध्यापक थे उन्होंने उनकी मदद की थी, जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का मौका मिला। इसी तरीके से इन 7 जस्टिस में एक ब्राह्मण मैं समझता हूँ जस्टिस ऐसी थी जिन्होंने उपवर्गीकरण का विरोध किया है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस जजमेंट को बताया है। तो मतलब वहाँ जो जज की संख्या थी 7 थी और उसमें शायद एक OBC थे, एक SC थे। अब मुझे ये पता नहीं है कि OBC कौन थे, मुझे बिल्कुल कन्फर्म है। हाँ। अभी वो 5 लोग अगर फैसला एक कमरे में बैठे लोगे तो वो 2 लोग तो दबी जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, जस्टिस को अपनी लिबर्टी होती है, अपना जजमेंट लिखने की लिबर्टी होती है, सबने अपना अपना जजमेंट लिखा है, लेकिन सबने बहुमत के आधार पर उपवर्गीकरण की बात की है, क्रीमी लेयर की बात की है, और आरक्षण जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा आरक्षण न मिले, इस तरीके की मतलब जजमेंट में बात हुई है। लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का जजमेंट बिल्कुल डिफरेंट जजमेंट है, जिसमें उन्होंने खुलेआम चन्नैया के जजमेंट का हवाला देकर के और बहुत सारे 16-17 जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस का भी हवाला देते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। और क्रीमी लेयर की बात तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब अदर बैकवर्ड क्लास का OBC के आरक्षण की बात हुई थी तो 9 जजेस की बेंच थी, उसमें खुलेआम बोल दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति को क्रीमी लेयर में नहीं लाया जा सकता, उसको पिछड़ेपन में ही रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उसके भी भावना के खिलाफ है। तो इसीलिए हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि हम इस जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि भाई इसमें अनुसूचित जाति जनजाति जिस तरीके से MNRRC के केस में जो 3 बिंदु पर गणना कराने की बात की थी कि आप बैकवर्डनेस देख लें, आप एफिशिएंसी देख लें और आप मतलब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देख लें, तो उसके आधार पर आप पदोन्नति में आरक्षण को देंगे। तो यही जब भी कोई प्रमोशन होता है अनुसूचित जाति जनजाति की मतलब रिक्तियों के मतलब पोस्टों के खिलाफ, तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई एडुकेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनकी अभी मतलब परसेंटेज कम है तो इनको प्रमोशन दिया जा सकता है, और एफिशिएंसी तो हमारी जो वर्किंग रिपोर्ट है उसके हिसाब से काउंट की जाती है। और जहां तक बैकवर्डनेस की बात है उसको कई जजमेंट में ये कह दिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति जब तक संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति रहेगी तब तक वो बैकवर्ड रहेंगे, और ये हो भी रहा है हमारे साथ में।
आज की डेट में भी हम लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो सम्मान इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कल्पना की थी। क्योंकि आज भी अगर हमारे किसी गांव में बारात लेकर के हमारे लोग जाते हैं तो या तो बारात को निकलने नहीं दिया जाता और बारात या पथराव किया जाता है। हमारा दूल्हा अगर घोड़ी पर बैठ जाता है तो उसको उतार दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, खुलेआम बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई इस तरीके के डिसीजन नहीं आ रहे हैं और आज भी हम लोगों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। आज भी हमारे गांव में हम लोगों को मतलब बहिष्कृत किया जाता है। अगर हमारा कोई भी बालक या बच्चा किसी घड़े को छू लेता, आज भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय मतलब ये चीज़ें देखी थी, आज भी हम लोगों को देखने की मिल रही है कि न गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ हमको मतलब छुआछूत की दृष्टि से आज भी देखा जाता है।